जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने आज किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि किसानों के विरोध में बनाए गए कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। देश का किसान कभी भी तिरंगे का अपमान कर ही नहीं सकता। पत्रकारों से चर्चा करते हुए जगत गुरु ने कहा कि जब भी कहीं भीड़ एकत्र होती है तो उसमें विघ्न संतोषी तत्व घुस जाते हैं। यही अभी हो रहा है, किसानों के बीच में कुछ संतोषी तत्व घुस गए हैं। ऐसे तत्वों की पहचान करना किसानों का नहीं सरकार का काम है। आंदोलन करने वाला उनकी पहचान नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि किसानों के विरोध में बनाए गए कानून रद्द होने चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जो कानून उनके लिए बनाया गया है पहले से तो नहीं है। वो कहते हैं ये तीन कानून रद्द कर दिए जाए, कर दो, आपका बिगड़ता क्या है इसमें? कानून को रद्द करने में आपका क्या बिगड़ता है? हम आपको बताते हैं, इन्होंने एक ट्रस्ट एक्ट बनाया गुजरात में, जब ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, समझे नी, चैरिटी एक्ट बनाया, मंदिरों को बहुत कई कानून थे उसमें, इसका हमने विरोध किया। हम वहाँ के शंकराचार्य हैं द्वारका, और वहाँ के सन्यासियों को और महात्मा सबको एकत्र करके हमने बड़ी बड़ी सभाएँ की। इसी मोदी ने विधानसभा में लाके उसको रद्द करवाया। तो जनता की ताकत है नहीं, तो बात क्या है, इतनी बड़ी बात हो गई, इतने दिनों से लोग परेशान हो रहे हैं। आज आप हमसे पत्रकार पूछने आए हैं कि महाराज आपका क्या मत है? अरे पहले तो आते हैं, अरे आप सब गुलाम हो, जिन लोगों के जो पत्रकार हैं जिनकी तरफ से आप आए हैं, उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी से पूछ के आ जाओ, आप पूछ रहे हो, और हो सकता है कि आप हमारी बात छापे ही ना, क्योंकि सब बिके हुए हैं, अखबार उठा के देखते हैं, चैनल उठा के देखते हैं, तो यही दिखाई पड़ता है कि बस मोदी जो कर रहे हैं वही अच्छा कर रहे हैं, और किसान भी कुछ भी कर रहे हैं, उनको तारों से बांधा जा रहा है, उनको पानी से रोका जा रहा है। यार ये आप कहाँ कहाँ पत्रकार हैं, आप कैसे हैं? कितना अत्याचार कभी हुआ है भारत की गुलामी में? ऐसा नहीं हुआ जैसा अभी हो रहा। अंतरानी साहब जी, आप ये बताइए कि वो जब नहीं मांग रहे हैं तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं उसके साथ, और उसको विषयांतर क्यों कर रहे हैं? कहीं किसी पार्टी का नाम ले रहे हैं, कहीं अंतर्राष्ट्रीय नाम ले रहे हैं। उन किसानों से आप बात क्यों नहीं करते हैं कि भाई उनको क्या तकलीफ है? वो खेती करते हैं परिश्रम करके। आजकल सच्ची बात तो ये है कि लोग खेती छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, नौकरी की तरफ जा रहे हैं। सरकार ने ऐसे कई कानून बना दिए हैं जैसे कि खेती आज लाभप्रद रह ही नहीं गई है। अब वहाँ पर जो लोग किसी तरह से जमे हुए थे, कुछ अनाज उत्पन्न करके आपको भोजन दे रहे थे, हरित क्रांति के द्वारा उन्होंने भारत को अनाज के संबंध में आत्मनिर्भर बना दिया था। किसने किया? मोदी ने किया था, ये किसानों ने किया था। आप ये समझिए कि जिस समय पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, अमेरिका ने कहा था कि हम जो गेहूँ भेजते हैं, जो हम गेहूँ भेजते हैं भारत के पेट भरने के लिए, हम गेहूँ भेजना बंद कर देंगे, क्योंकि उस समय भारत में गेहूँ पैदा नहीं होता था। तो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री ने जय किसान का आंदोलन दिया, वो नारा दिया था, आपको याद होगा, जय किसान जय जवान। तो जय किसान के नाम पर फिर एक क्रांति शुरू हुई, हरित क्रांति के द्वारा आज हमारी ये स्थिति है कि हम भारत के बाहर भी अनाज भेज सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, जबलपुर।